नमस्कार साथियों, मैं सौम्या पुणे किंगडम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी RPSC स्कूल लेक्चरर एग्जाम के बारे में होने वाली है। हम पेपर 2 इंग्लिश जो है उसकी जो बुक्स कौन सी हमें प्रेफर करनी चाहिए उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा RPSC स्कूल लेक्चरर इंग्लिश एग्जाम 2022 में 98th रैंक के साथ फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मैं आपके साथ मेरी ही स्ट्रेटजी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने मात्र 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में ये सफलता अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसको हासिल कर लिया है। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा क्योंकि मोस्टली जो ऑडियंस होती हैं उनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो सभी को कन्वीनियंट हो इसलिए मैं बाइलिंगुअल जो है वो आपके साथ में अपनी जो जर्नी है उसको शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो आपको सबसे पहले आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें सिलेबस का प्रिंटआउट जो है लेकर के अपने टेबल पे रखना है ना। हमें क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और फिर आपको क्या करना है कि इनमें से आपको चेक करने हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपकी ऑलरेडी कमांड है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। मैं ये उन लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ जो फर्स्ट टाइम मेरी तरह ही पहली बार जो क्या करेंगे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उन्हें बताने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं कि होगी, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है इस चीज़ में। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लेना है, उसकी डिटेल स्टडी आपको करनी है कि आपके सिलेबस में कितने पार्ट हैं। तो देखिए, आपके इस RPSC के सिलेबस में मेन जो है वो 4 पार्ट है। सबसे पहला सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ये देखिए, एंड देन नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल आ जाता है, देन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और उसके बाद आती है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये तो बात है आपकी सिलेबस की कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले तो ये कंफर्म रहता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का वेटेज होगा और ग्रेजुएशन से कितने मार्क्स का वेटेज होगा। तो ये जब एग्ज़ाम में हम बैठे थे तो आपने अगर जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर है ये अभी जो 2022 का हुआ है उसको अगर आपने एनालाइज़ किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो सारे जो पैरामीटर्स थे, जो स्टैट्स हम सबके माइंड में रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ करते वक्त हम करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, वो सब एकदम टूट गया था। वेस्टलैंड से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने कभी भी नहीं आए थे। तो जिसका वेस्टलैंड जो है अक्सर क्या करते हैं लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन को स्किप कर देते हैं कि ये तो 10 नंबर का ही आएगा, छोड़ देते हैं, बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है वेस्टलैंड। लेकिन लकीली हम जो हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा रहे हैं और यहाँ पर मैं अपनी जो ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने जो तैयारी की, जो पैटर्न फॉलो किया, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे हेल्प किया कि मैं अपना ड्रीम जो है वो मात्र 6 महीने के अंदर फुलफ़िल कर सकूँ, तो उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। यहाँ पर जी हेल्प गुरनानी सर जो हैं, LD गुरनानी सर हैं सूरतगढ़ में, उनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी हेल्प, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। आप सर्च कर सकते हैं, सर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे से जो हैं सबको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उनका तरीका बहुत ही अलग है। चलिए, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ चंद शब्दों में मैं उनका शुक्रिया अदा करके चलती बनूं ये मुझसे नहीं होगा, वो कम्प्लीटली एक ट्रिब्यूट डिज़र्व करते हैं और उनके बारे में एक चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो देखिए, ग्रामर में आपके आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स हैं, टेंसेज हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, ये जो भी टॉपिक्स हैं इनके लिए मेनली आपको क्या करना है, आपको जो है वो ये 3 बुक परचेज करनी है। एक तो ये आपकी छोटी सी बुक है FT गुड की, 150 रुपीज़ की ये बुक है, आप देख लीजिए, आपको एक तो ये परचेज करनी है। देन एक ये है थॉमसन एंड मार्टिनेट की, ये देख लीजिए, इसका प्राइस थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, 250 से 300 रुपये के बीच में आपको ये बुक मिल जाएगी, 280 से 300 के बीच में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की है ये वाली बुक है। तीसरी बुक हमारी रैंडम मार्केट, ठीक है, मेरे पास ये वाला एडिशन है और ये इसकी की है जो इसके साथ में आती है, ठीक। ये 3 जो बुक हैं ये इन्हीं को हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। और एक चौथी बुक भी है ग्रामर के लिए, वो है आपकी ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये देखिए एस चांद, ये आप नहीं भी परचेज करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि इसमें से सिर्फ हम idioms एंड phrases ही करने वाले हैं, तो उसका आप PDF लेकर के प्रिंटआउट भी निकाल सकते हो, वो भी आपको इक्वली हेल्प करेगा क्योंकि इस पूरी बुक में से सिर्फ एक ही सेक्शन जो है वो मैंने पढ़ा था idioms एंड phrases वाला, तो
तो अगर आप इंग्लिश से लगातार कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वैसे तो ये अच्छी बुक है, बट अगर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के लिए ले रहे हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है बुक भी, और सिर्फ एक टॉपिक के लिए इतनी बड़ी बुक परचेज करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने सोच लिया था कि आगे जब मुझे करियर ही इंग्लिश सब्जेक्ट में बनाना है तो ये बेसिक्स से बुक्स जो होती हैं ग्रामर की ये मेरे पास होनी चाहिए, तो ये फ्यूचर में मुझे काम आएगी, इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया है। तो आप अगर सिर्फ प्रिपरेशन फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें से सिर्फ हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो हूबहू क्वेश्चंस जो हैं वो इस बुक में से आए हैं ऐसा देखा गया है, इसलिए हम इस बुक को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस एफटी बुक की, थॉमसन एंड मार्टिनेट की और हमारी रेन एंड मार्टिन की, ये तीन बुक्स। तो इन दिनों के लिए अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो डिटरमाइनर्स का टॉपिक है हमारे जो सिलेबस में वो हमें रेन एंड मार्टिन से, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रेन एंड मार्टिन, एफटी वुड और थॉमसन मार्टिन, ये जो तीनों बुक्स हैं इन तीनों से आप डिटरमाइनर्स जो हैं वो कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका टेंसेस, तो टेंसेस के लिए हमें सिर्फ रेन एंड मार्टिन और एफटी वुड, सिर्फ ये दोनों बुक्स ही क्या करनी है, प्रेफर करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओनली रेन एंड मार्टिन, एज इट इज़ हूबहू क्वेश्चंस जो हैं वो रेन एंड मार्टिन से उठाए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स भी आपको नहीं छोड़ने हैं और इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी आपको नहीं छोड़नी है। आप ये मान के चलिए अगर आपको फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश ग्रामर में एक्सेल होना है देन आपको रेन एंड मार्टिन आपकी टिप्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो हम कर सकते हैं थॉमसन एंड मार्टिन से। ठीक है, ये बुक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लिए परफेक्ट है और एक्टिव पैसिव के लिए भी इक्वली क्या है, बेनिफिशियल है, तो उसके दोनों के लिए हम थॉमसन एंड मार्टिन को रखेंगे। देन ऑक्सिलरीज के लिए अगेन रेन एंड मार्टिन एंड थॉमसन एंड मार्टिन, ये दोनों। ठीक है, ऑक्सिलरीज के लिए ये दोनों हो गए और प्रीपोजिशन के लिए हमें करना है रेन एंड मार्टिन एंड एफटी बुक, ये दोनों बुक्स हमें प्रीपोजिशन के लिए करनी है। करते हैं इस बुक की ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मेरे पास ये वाला एडिशन है, हो सकता है आपके पास थोड़ा ऐसे ब्राउन से कलर की आती है वो वाला एडिशन हो, ये बुक परफेक्ट है लिटरेरी टर्म्स के लिए। और अब तो लिटरेरी टर्म्स का बहुत इजी कर दिया है, आपको मेंशन करके दिया है कि कौन से लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, ये देखिए आपके स्पेशल मेंशन हो गया है सिलेबस में, इसी बार जो है ये मतलब जो एग्ज़ाम हमने दिया था उसी एग्ज़ाम में ये चीज़ें जो हैं क्या हुई थी, मेंशन हुई थी, उससे पहले आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, तो ये बहुत ही आसान हो गया है अब इसको करने का। तो लाइन टू लाइन आपको क्या करना है, इस बुक को फॉलो करना है। कुछ लोग कहेंगे कि इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है, ये होती है, वो होती है, देखिए अपना अपना पढ़ने का तरीका है, मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और किसी के समझ में नहीं आती है, सिंपल सी लैंग्वेज है, आप रिपीटेटिवली उसको पढ़ेंगे तो आपको वो हैंडी लगने लग जाती है कुछ दिनों बाद में। चलिए बात करते हैं उसके अलावा क्या चाहिए ग्रामर के लिए, तो ये मेरे पास जी हेल्प के प्रैक्टिस सेट है, मॉड्यूल्स कह सकते हो आप इसको, ये देखिए ग्रामर के ये इस तरीके के मॉड्यूल्स, ये जब हम सर से कोचिंग ले रहे थे तो ये बिल्कुल लास्ट में आए थे और अब तो सर के पास पहले से हैं ऑलरेडी, है नया मैटर भी है सर के पास, तो आप वहाँ से जी हेल्प से परचेज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उनका स्टूडेंट ही होना चाहिए, आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी ये मॉड्यूल्स जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं जी हेल्प से, आप वहाँ से सर्च करेंगे, उनका टेलीग्राम ग्रुप भी है जी हेल्प नाम से, तो वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह सब अवेलेबल होता है, तो जो अगर आप परचेज करना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एज इट इज़ जो हैं हमारे पेपर में इन मॉड्यूल्स में से आए थे, रीट में भी आए थे, सेकेंड ग्रेड में भी आए थे और फर्स्ट ग्रेड में भी आए थे। मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो है वही दिया था, ना मैंने रीट दिया है ना मैंने सेकेंड ग्रेड जो है उसका भी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। चलिए बात करते हैं उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी की, जो कि आपका फोर्थ पोर्शन है, उसके लिए लकी आहूजा मैम की एकमात्र बुक जो साइकोलॉजी में इंग्लिश में जो अवेलेबल है वो यही थी, और मैटर मैम का बहुत अच्छा है, इसी को मैंने फॉलो किया है। और इसके बाद एक नया एडिशन इन्होंने निकाला था एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, देख लीजिए ये भी हमने लास्ट में परचेज किया था, बिल्कुल लास्ट में आया था ये, तो क्या होता है कि सिलेबस जो है लास्ट में चेंज हुआ था, तो फिर बुक का जो है नई बुक जो है उसको फिर पढ़ना करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे और थ्योरी भी थी, है ना, ये देखिए ये सिर्फ मुझे एमसीक्यूज़ वाली बुक नहीं है, एक एमसीक्यूज़ की भी निकाली थी वो हमने परचेज़ नहीं की है, ये थ्योरी वाली न्यू बुक है, तो हमने ही परचेज़ किया था और इसी से पढ़ाई की थी, ये देखिए। साइकोलॉजी के लिए बेस्ट यही है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो मैं आपको प्लीज़ प्लीज़ इट्स इन माई हम्बल रिक्वेस्ट, हिंदी में साइकोलॉजी आप मत पढ़ें, बर्बाद हो जाएंगे। आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके हमारे ब्रेन में क्या होता है
की चीज़ें फिक्स होने लग जाती हैं। जैसे आप देखेंगे, आप जब कोई चीज़ रिकॉल करते हो तो आपको याद आता है कि हाँ, ये तीसरे पेज पे पांचवी लाइन में ये कुछ लिखा हुआ है। वो रेपिटेशन से होता है, क्योंकि आपकी ब्रेन जो है वो एक पूरा कंप्लीट मैप बना लेता है। जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं, जो भी नोट्स हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम प्रिपेयर करते हैं, तो पूरा एक मैप बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर। तो आपको भी सेम वही करना है साइकोलॉजी। आपको अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा टफ आपको लगेगी, लेकिन आप अगर उसका अल्टरनेटिव जब हम ढूंढने लग जाते हैं ना हमारी प्रॉब्लम्स का, तो वो कभी सॉल्व नहीं होती। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप ये सोचिए कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना, तब वो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। इस बात को आप एक बार अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में, लाइफ चेंज हो जाएगी। जब हम ऑल्टरनेटिव्स के लिए इधर उधर अपना दिमाग दौड़ाते हैं ना, तो फिर वो परफेक्शन आपके अंदर कभी नहीं आ पाएगा। तो ये तो थी साइकोलॉजी और ग्रामर की बात। और साइकोलॉजी के लिए एक ये आपकी पोथी जो है ये भी हमने पढ़ी है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और कुछ एक एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। ये दो में आती हैं, दोनों लैंग्वेजेस में आती हैं, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मैंने जो है हमने इंग्लिश में ही इसको परचेज़ किया है। तो ये है वो बुक, तो साइकोलॉजी के लिए लकी आहूजा मैम। और आपकी पोथी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ऐसा देखा गया था कि बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमने क्या की हैं, परचेज़ की थी, ताकि हम भी उसके जैसा आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी हम उसको क्रैक कर पाएंगे। हमें अगर समझ ही नहीं आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, तो फिर ये उसी तरीके से हो जाता है अंधेरे में तीर चलाना। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ही आपको आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करवाएगी। चलिए बढ़ते हैं लिटरेचर क्वेश्चन की तरफ। तो लिटरेचर में देखिए, नॉवल्स के लिए मैकबेथ का ओरिजिनल टेक्स्ट ये है, और एक रामा ब्रदर्स का भी आता है इस तरीके से, ये भी आप ले सकते हो। और कोशिश कीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश हो। ये सारी बुक्स जो हैं ओरिजिनल टेक्स्ट मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़े हैं, मैंने हिंदी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। और जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होती है। प्लस आपको देखिए हिंदी में मीनिंग्स और लिटरेचर के जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, है ना। तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और एज यू लाइक इट का ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये भी रामा ब्रदर्स का लिया है मैंने। और उसके बाद मेयर ऑफ कैसर ब्रिज का ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये सुजीत पब्लिकेशंस का लिया है मैंने। इसकी जगह एक और पब्लिकेशन का भी आता है, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा छोटा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो, जिसका फॉन्ट थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा सा बड़ा हो, आप वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उस टाइम शॉप पे अवेलेबल नहीं था तो मुझे यही लेना पड़ा, और ये भी लास्ट ही बुक बची थी, है ना। तो इस अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे फॉन्ट वाली बुक जो है वो ले सकते हैं। इसके फॉन्ट थोड़े से छोटे हैं तो आई साइट थोड़ा सा मुझे लगता है कि फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। एक अच्छी बुक होगी, अच्छी पेपर क्वालिटी की होगी, तो आपको ऐसे बर्डन फील नहीं होता है पढ़ने में, आप इन्जॉय करते हो रीडिंग को। देन एक आर के नारायण का द वेंडर्स ऑफ स्वीट्स, ये भी ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये भी इंग्लिश टू इंग्लिश है साथ, हिंदी का कहीं काम ही नहीं है। मैंने अपनी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान कहीं भी हिंदी बाइलिंगुअल इस तरीके से नहीं करा है कि हिंदी में कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखी हो। और नेक्स्ट है ये आपका फ्राई द पीकॉक, इसका भी मैंने, हालांकि सर ने हमें मना किया था ओरिजिनल टेक्स्ट मत लो, बट मैंने लिया था और मैंने इसको पूरा पढ़ा था। मेरे साथ वाले जो थे, इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है लेकिन आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो ये देख लीजिए आप, और ये देखिए मैंने पढ़ा है तभी तो पूरे में हाईलाइट कर रखा है मैंने। आपको अगर नज़र आ रहा होगा पेजेस पूरे में हाईलाइटेड, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे वो चीज़ें मैंने हाईलाइट की। इसको मैंने दो बार पूरा पढ़ा एग्ज़ाम से पहले पढ़े, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है। आप अगर कंफर्टेबल हो तो आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हो, समरी से भी काम चला सकते हो। तो ये था लिटरेचर का पोर्शन। उसके बाद आते हैं आपके एसेज़ वगैरह जो हैं, पोइम्स वगैरह जो हैं, जितनी भी आपकी ये पोइम्स हैं ऐसेज हैं, तो इनके तो मैंने प्रिंट आउट ही लिए थे ऑनलाइन, जो है नेट से प्रिंट आउट हमें मिल गए थे। हमें तो जी हेल्प कोचिंग जो है, मैंने जी हेल्प से कोचिंग की थी तो वहाँ सर ने हमें प्रोवाइड करवाए थे, तो मैंने वही प्रिंट आउट लिए थे। ये हमें पोइट्री के सारे आठों की आठों पोइम्स जो हैं इनके प्रिंट आउट दिए गए थे। एंड जो ये एसेज हैं, बैकन का ऑफ स्टडीज़ और लैम्प का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसका भी प्रिंट आउट सर ने हमें प्रोवाइड करवाया था। और उसके बाद जो वेस्ट लैंड है और बर्थडे पार्टी जो है, इसका भी बर्थडे पार्टी और वेस्टलैंड इसका भी ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसका हमें सर ने प्रिंट आउट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया था, तो वो हमने प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लिए थे और उसी से हमने पढ़ा है। बहुत अच्छा पढ़ाया था सर ने, वेस्टलैंड जैसा सर ने पढ़ाया है ना, सीरियसली कोई नहीं पढ़ा सकता, आई स्वेयर
कोई भी नहीं बढ़ा सकता। पूरे आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, जैसा सर लिटरेचर पोर्शन कराते हैं ना, वैसा डिटेल में एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें आपको कोई नहीं कराएगा। ये बिल्कुल प्रमोशन नहीं है, देखिए बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो आप इसको नहीं समझे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप कोई और दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं, या फिर मैं अपनी जो एग्जाम क्रैकिंग स्ट्रेटजी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन आपकी वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज में है आपके क्रियोल, पिजन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, इसके लिए सर ने हमें नोट्स भी दिए थे। और ये सुभाष सर सिहाग जो हैं इनकी बुक है, इसमें से पढ़ने के लिए बोला था, जो कि हमने पढ़ा था, इसमें से बहुत अच्छे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ था, तो ये भी हमने इस टॉपिक को इसमें से पढ़ा है। बाकी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप गाइड ले लीजिए, एक बार गाइड से जो है आप गो थ्रू कर लीजिए कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं। देखिए गाइड जो है ये एक तो सुभाष सिहाग सर की थी और एक ये दक्ष पब्लिकेशन की भी आती हैं ये गाइड, ये मेरी सिस्टर की बुक्स हैं और मैंने इनको नहीं फॉलो किया है, ये इन्होंने जब तैयारी की थी तब इन्होंने परचेज़ की थी ये चीज़ें। देखिए ज़माना बदल गया है और ये एक MCQ का सेट्स भी है, सेट्स MCQs के नो डाउट आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े चांसेस में मिस्टेक्स होती हैं, तो आप थोड़ा सा वो रेक्टिफाई कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। MCQs में यही प्रॉब्लम है कि वो एरर फ्री होना चाहिए, अगर उसमें एरर है देन वो आपके लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। आप बुक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि आप कौन सी बुक्स पढ़ने हैं, कौन सी नोट्स पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रह जाती है कि अब पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हमें भी क्या हो रहा है कि पैटर्न एडवांस होता जा रहा है, एग्ज़ाम का लेवल जो है वो हर साल लेवल अप होता जा रहा है, तो हमें भी क्या करना है अपनी जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है उसको भी एक लेवल अप करने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, इंटरनेट सोर्सेज की मदद लेनी है। झूठ है वो लोग जो कहते हैं आप अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, यहाँ से दूर हो जाए वो वहाँ से दूर हो जाए, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है आज की नीट के अकॉर्डिंग। हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है इंटरनेट सोर्सेज से, जो कि मेरी जो ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन थी उसमें मुझे काफ़ी हेल्प की। जैसे कि आप लिटरेचर के लिए कोई भी टॉपिक आप डालिए, उसके MCQ सर्च किए करेंगे, अगर आप कोई भी टॉपिक का नाम जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट है डेफोडिल्स हैं, तो आप डेफोडिल्स MCQ ऐसे डालेंगे तो बहुत सारे MCQs जो हैं आपके पास आ जाएंगे, वो सारे MCQs की आपकी क्या करनी चाहिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। britannica.com है ये वेबसाइट है, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो हैं आपको आपके सिलेबस के मिल जाएंगे। लिटचार्ट्स हैं, लिटचार्ट से भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी, कोई भी आपका टॉपिक है लिटरेचर से रिलेटेड उसमें क्विजेज ले सकते हैं, britannica.com से भी ले सकते हैं, क्विजेज भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के आपको MCQ जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आप नंबरलेस सोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं आज के टाइम में, तो आप उसका अगर सही यूज़ करते हैं तो वो आपको आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में उसमें एक हेल्पिंग हैंड ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अगर इंटरनेट पे सिर्फ आप अपना टॉपिक डालिए उसके स्लैश लगा करके अगर आप MCQ भी लिख देते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, जैसे हमारा सिलेबस क्या है लिटरेचर, जैसे नेट में भी अगर कोई एग्ज़ाम में या फिर सेट में कोई भी सेट के किसी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं उसको आप गो थ्रू कर लें, तो बाय लक अगर सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी मिल सकते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी को आप जितना प्रिसाइसली जो फॉलो करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था स्टडी मटेरियल के बारे में, कितना कहाँ से क्या पढ़ना है, और मैंने इसी को फॉलो किया है, कोई भी सोर्स जो है मैंने मीन्स ट्रांसलेटेड नहीं लिया है, ओरिजिनल ही टेक्स्ट को मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल बुक्स को पढ़ा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने रिसेंटली ही 2022 में ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश से वो कंप्लीट किया है, और जून में हमारे एग्ज़ाम्स थे, अगस्त 2022 को हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था, MA फाइनल में 70% के साथ में मैंने जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। देन सितंबर छोड़ करके अक्टूबर को हमारा GK का फर्स्ट पेपर था एंड 14 अक्टूबर को हमारा इंग्लिश का जो है वो मेन पेपर था। तो देख लीजिए बहुत ही कम समय था हमारे पास में, मैंने जी हेल्प को अराउंड IAS दिसंबर में ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने पढ़ाई करनी दिसंबर में हमारी फैमिली में दो वेडिंग्स थी तो उसके चलते इतना मैं सीरियसली नहीं पढ़ पाई थी इस चीज़ को, लेकिन मैंने जनवरी से और या आप कहें तो मिड दिसंबर से लेकर के और मैंने मार्च में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था। मैंने ऑनलाइन जो है ऑनलाइन क्लासेस ली थी, सर की लाइव क्लासेस ली थी, डेली 5 बजे भी क्लासेस होती थी तो भी उठ के हमें लाइव ही करते थे, हम सर के साथ इंटरेक्शन करते थे, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, वो आप उनका कोर्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और फीमेल्स के लिए आई प्रेफर ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है, क्योंकि लाइक मैरिड होते हैं कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज के हैं, किसी के इवन टॉडलर्स भी हैं तो उनको छोड़कर वो नहीं जा पाती, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो आप अपने घर के कंफर्ट में रह करके अपनी जो पढ़ाई है उसको कर सकते हो। तो
मैंने तो यही किया था, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैंने सर की ज्वाइन की थी, और उसके बाद में कुछ महीनों तक मैंने आई गेस मैंने जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त दो महीने जुलाई एंड अगस्त और सितंबर भी शायद नहीं सितंबर नहीं लिया मैंने जुलाई और अगस्त ऑफलाइन दो महीने मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो भी ज्वाइन की थी। तो ये था मेरा एक रफ सा आइडिया, मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए स्पेशली पेपर टू के लिए। अगर मैं ये क्रैक कर सकती हूँ जबकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का नहीं है और छः महीने की मेहनत के साथ मैं अगर इस पेपर को क्लियर कर सकती हूँ वो भी 98 रैंक के साथ में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम फर्स्ट पेपर को कैसे क्लियर करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा आपकी क्वेरी को रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Help me, Blake, 'cause a man take can't do. Say, I could lose a 1, 2, 3, that's great, they love.